दिस इज रीना एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रीना नू ब्लॉग। तो हमारे यहाँ तैयारी हो रही है छठ की जोरों शोरों से। आके करिएगा तो इधर है हमारी बुआ जो कि अब होने जा रही हैं रेडी, और रेडी होकर एकदम ब्यूटीफुल सी परी जैसी अभी तैयार होंगी, फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय। जैसा कि आज मैं बहुत टाइम बाद वीडियो बना रही हूँ और लाइफ में बहुत उथल पुथल मची हुई थी, बट भगवान की कृपा से अभी सब ठीक है। तो मैं सोची कि चलो आज माँ का दिन है, छठ मैया का, तो आज के दिन से मैं वीडियो अपना थोड़ा स्टार्ट करती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर भी करती हूँ। जब कुछ अच्छा हो लाइफ में तो ज़रूर शेयर करना चाहिए, बेशक कुछ बुरा हो तो उसे छुपा के रखना चाहिए। तो मैं यहाँ पे आई हुई हूँ और बुआ के पास अपने, छठ की तैयारी यहाँ पे जोरों शोरों से चल रही है क्योंकि वो व्रत रहती हैं और दुनिया भर के काम रहते हैं, आप लोगों को पता ही है। तो अभी वो जो है व्रत रखने की तैयारी में है, रेडी हो रही हैं। तो अभी यहाँ पर मैं अकेले बैठी हूँ रूम में और दूसरे रूम में इंजॉय कर रही है बच्चा पार्टी। चलो आप लोगों को दिखाती हूँ, उन लोगों को भी। क्या कर रहे हो जी तुम लोग? वीडियो देख रहे हो? रील चला रहे हो? तो ये लोग चला रहे हैं यहाँ पे रील। सब शकल छुपा लो अपनी अपनी, ये है एक नंबर के शैतान बच्चे। तो आजकल के बच्चों को आती है शर्म, इसलिए वो लोग शर्मा रहे हैं। और चलिए अभी थोड़ी देर बाद मिलते हैं जब छठ का कार्यक्रम शुरू होता है, फिर आप लोगों से। एक आपकी मैचिंग तो यहाँ है मेरी छोटी बुआ जो कि मेरे पैरों में लगा रही है कलर। मेरे को कलर अच्छा लगता है लेकिन मैं बहुत कम लगाती हूँ, बट आज पूजा है तो आज सोचा पैरों में कलर लग जाए, और बुआ लोग हैं तो कलर लगाना तो बनता ही है क्योंकि वो लोग लगा देती हैं। मेरा फोन नीचे रखा है, हमें नहीं बता, लेके आओ अपना, तो आना था तो ऊपर लेके आती। तो यहाँ होने लगी है पूजा की तैयारी, और यहाँ पे हम लोग घाट पे नहीं गए थे, मतलब वो घर पे ही किया था छत पे। तो ये जो बात बच्चों के छोटे छोटे जो बच्चों को नहलाने के लिए आता है ना घर में, जिसमें बच्चे इंजॉय करते हैं, वही ख़रीद के आया था, और इसमें थोड़ा सा फूल वगैरह डाल के रेडी हो गया है। और यहाँ पे बिल्कुल पूजा की तैयारी हो गई है, जो भी छठ माता की पूजा होती है सब लोग मतलब करते हैं अच्छे से, इसमें कोई भूल चूक ना हो, कोई गलती ना हो, बड़ी सफाई का ध्यान रखा जाता है। तो यहाँ पे वो सारी तैयारियाँ हो गई हैं और ये सब चीज़ें हो रही हैं। और ये करते करते लास्ट तक ये भूल गया था कि बुआ को सिंदूर ही नहीं लगा था और पूरा कार्यक्रम आगे बढ़ गया था। तो छठ मैया भूल चूक तो माफ़ करती ही हैं क्योंकि वो माँ हैं, तो वो अच्छे से सब समझती हैं, क्योंकि गलती हो जाती है तो माँ माफ़ कर देती हैं। बस ये है कि जाने अनजाने में गलती होनी चाहिए, जानबूझ के नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे सारा अपना शुरू हो गया है और अब इसके बाद इंतज़ार होगा सूर्य देवता के अस्त होने का, अर्घ देने का। तो यहाँ पे वो सारे कार्यक्रम अपने स्टार्ट हो गए हैं अच्छे से, और मैया सबकी झोलियाँ भर। तो यहाँ पे शुरू हो गया था आगे का रिचुअल, जैसे कि जितनी भी सुहागन औरतें रहती हैं वो हल्दी कुमकुम से गन्ने को टीका लगाती हैं, और पूरी श्रद्धा भाव से इस पूजा में सब लोग सम्मिलित होते हैं। तो बहुत ही अच्छा लगा और मैं भी लाइन में आके खड़ी हो गई कि भाई मेरे को भी लगाना है, मुझे भी दो। तो सच बताऊं तो इस पूजा में शामिल होकर बहुत अच्छा लगा, मन को बहुत शांति मिली, और मैया जैसे सबकी झोलियाँ भरती हैं, सबको खुशियाँ देती हैं, सबका दुख दूर करती हैं, वैसे ही माँ हम सब लोगों का दुख दूर करें। और ये रिचुअल जितनी भी सुहागन औरतें वहाँ पे आई रहती हैं वो लोग करती हैं, तो मैं भी आ गई थी ये चीज़ करने के लिए, आगे मैं भी उसे करती हूँ, पहले बुआ कर ले। ए ओ मैं बना रही हूं।
यहाँ पे टाइम हो गया था अर्घ देने का और फूफा जी आ गए हैं अर्घ देने के लिए। सूर्य देवता अस्त हो रहे हैं और बच्चे भी आ गए हैं उनके दोनों। तो यहाँ पे सारे बच्चे इकट्ठा हो गए हैं अर्घ देने के लिए और वो अर्घ दे रहे हैं। और साइड में और भी जो चीज़ें होती हैं वो होती रहती हैं, इधर वीडियो भी बन रही है, अर्घ भी चल रहा है। तो यहाँ साइड में चल रहा था सॉन्ग जो कि मैंने म्यूट कर दिया है वरना कॉपीराइट आ जाता है। और ये सब देख के बहुत ही अच्छा लग सा फील हो रहा था। और अभी मेरा टाइम है अर्घ देने का तो मैं भी आ गई हूँ अर्घ देने के लिए। और वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है तो आज मैंने साड़ी वेयर किया हुआ था। अच्छा लग रहा है ना, बहुत अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे अर्घ देने के बाद हम लोग फिर नीचे जाएंगे। और इसके ये वीडियो के जो मैं बना रही हूँ ना, ये 2-3 पार्ट में आएगा क्योंकि यहाँ से ये सब कार्यक्रम ख़त्म होने के बाद फिर कोसी भरने का जो है उसका मैं अलग डालूँगी क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी सारा एक में डालूँगी तो। और वैसे भी वीडियो लंबी ये हो ही जाएगी। तो यहाँ बुआ को सिंदूर लगा रही थी और उनकी मांग भर रही थी जो कि पहले लगाना भूल गए थे हम लोग। तो छोटी मैया से क्षमा याचना करके फिर उनकी मांग को भरी जा रही है। और इसके बाद ये बुआ जो लोग जितने लोग भी सुहागन रहते हैं उन्हें सिंदूर लगाएंगी। और ये क्या, जो लोग व्रत रहते हैं वो लोग लगाते हैं, तो ये रिचुअल है। और फिर उनका आशीर्वाद लिया जाता है। तो सबसे पहले वो अपनी भाभी को सिंदूर लगाएंगी और उसके बाद जो और लोग हैं उनका एक एक करके नंबर। तो यहाँ पे मैं भी आ गई थी और बुआ ने मुझे भी मांग मेरी पूरी भरी, मुझे बहुत अच्छे से सिंदूर लगाया। और इसके बाद मैंने उनका आशीर्वाद लिया कि और मांग को 5 बार या 7 बार ऐसे कुछ भरते हैं और पूरी मांग बहुत अच्छे से सिंदूर से फील हो जाता है। और जब भी फेस्टिवल वगैरह रहता है ना तो पीला सिंदूर लगाना और पूरी मांग भरना, मतलब इंसान का लुक बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पर मैं उनका आशीर्वाद ले रही थी। तो यहाँ पर अभी उनका जो है दिए के से आरती बुआ की हैं और उसके बाद अगरबत्ती जलाएंगी और सूर्य देवता जो अस्त हो रहे हैं उनको अस्त होते हुए उनकी पूजा करेंगी। और यहाँ पे सब लोग मतलब ये वो जो भी चीज़ें थी गाइड कर रहे थे एक दूसरे को, जो भी चीज़ें भूल रही थी उसे बता रहे थे। और इसमें हेल्प की भी ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर बुआ जो है कि उनकी पूजा अर्चना कर रही हैं, अच्छे से मना रही हैं। और यहाँ पे हम सब लोग भी आ गए थे एक एक करके जो है धूप दिखाने के लिए। तो हम सब लोगों ने भी एक एक करके, सभी लोगों ने, बच्चों ने भी और हम लेडीज़ जो भी थे 3-4-5 लोग, उन लोगों ने भी सब लोग एक एक करके यहाँ पे दिया। और बुआ पानी से बाहर आ गई थी, काफ़ी टाइम तक खड़ा नहीं, घर पे होता है तो उतना टाइम नहीं लगता है लेकिन जब हम लोग घाट पे जाते हैं तो बहुत टाइम लगता है क्योंकि टाइम से हम लोग निकल जाते हैं क्योंकि दूर जाना रहता है। और फिर वहाँ पे पहुँच के जो अरेंजमेंट रहती है अपना सब कुछ देखो और फिर, तो उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। लेकिन घर पर रहता है तो ये है कि सारा सामान ले कर जाना, ऊपर करना और अच्छा करना, घर से भी बहुत अच्छे से हो जाता है। और बहुत ही अच्छा लगा इसको घर से भी करने में। सच में हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया और बहुत अच्छा लगा, मन को बहुत शांति मिली। तो अब ये पूजा ख़त्म होने के बाद जो है अब सब यही हो रहा है कि क्या रह गया क्या नहीं रह गया है, अपना अपना सब लोग करके आशीर्वाद ले लें, पूजा अर्चना कर लें। तो यहाँ पे एक एक करके सब लोग जो है कि पूजा करने के बाद जिसका जैसा भी मन करता है वैसा करता है। और मैं भी जो मेरे हाथों में फूल थे उन्हें जो कलश था मैं उस पर रख रही थी क्योंकि मुझे अच्छा लगता है फूलों को ऐसे करके रखना, कलश पे फैला देना, दियों के किनारे किनारे लगा देना। तो अभी यहाँ पे जो है बुआ आ जाएंगी और वो माथा टेकेंगी और उसके बाद हम लोग भी एक एक करके माथा टेकेंगे और फिर सारा सामान लेके, जब बुआ सबसे पहले जिनका फास्ट है वो कलश उठाएंगी और नीचे लेके जाएंगी, उसके बाद हम सब लोग भी एक एक करके नीचे जाएंगे और उनके साथ, उनके कलश उठाने के बाद भी हम लोग एक एक सामान हटाएंगे यहाँ से धीरे धीरे करके। इंतज़ार रहता है कि
कैसे कैसे होते हैं। और मैं तो मतलब पहले भी छठ पूजा में शामिल हुई हूँ, बट शादी के बाद मेरे को लगता है कि ये फर्स्ट टाइम है कि मैं इस तरह से शामिल हुई हूँ कि चीज़ों को करने का भी साथ में मौका मिले। तो यहाँ पे बुआ ने बोला कि तुम भी माथा टेको अच्छे से, तो मैं 5 बार माथा ज़मीन पे लगाती हूँ उठा उठा के, और फिर चीज़ों को कहती हूँ। सबका अपना अपना तरीका होता है, मेरे को ये लगता है कि 5 बार ही हर चीज़ों को करना चाहिए। और इसमें ना बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो पता नहीं होती हैं। मेरे को भी यहाँ पे आके मतलब बहुत सी छोटी छोटी दे चीज़ों को देखने के बाद पता चला। ऐसे पहले लोग व्रत रहते थे ना, तो जब वहाँ पे जाओ तो उतनी चीज़ें नहीं पता होती, क्योंकि पीछे जो चीज़ें हमारे सामने होती हैं और पीछे उसके लिए जितना एफर्ट्स लगाना पड़ता है, जितनी चीज़ों को करना पड़ता है, वो हमें नहीं पता होता है। लेकिन जब रहो और खुद आँखों के सामने देखो और करो, तब पता चलता है कि हाँ इस चीज़ को करने में कितनी मेहनत लगती है। एक एक चीज़ों को याद करके करना, देखना। तो यहाँ पे बुआ ने कलश उठा लिया था और वो अब नीचे चलेंगे। उनके साथ साथ अब ये जो भी सामान है सब नीचे जाएगा, जहाँ कोसी भराएगा वहाँ पे रखाएगा पूजा रूम में। तो अभी ये लोग नीचे जो है जा रही हैं, और इसके बाद सब लोग जाएंगे। और इसके आगे की वीडियो जो है नेक्स्ट पार्ट में आएगी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और आशा करूंगी कि आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आएगी। तो पूरी वीडियो को आप लोग अच्छा करिएगा, चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। और बहुत टाइम बाद जो वीडियो पड़ी है, तो आप लोग प्लीज़ इसे अपना भर भर के प्यार दीजिए। और मे बी ये 3 पार्ट में आएगा, क्योंकि सच में बहुत लंबी है। अभी देखने से लग रहा है कि पूजा यहीं पे समाप्त हो जाएगी, बट ऐसा नहीं है। इसके बाद रात कोसी वोसी भराएगा, तो वो उसमें भी पूरा टाइम लगता है। और बुआ लग बहुत प्यारी रही थी ना। मिलते हैं नेक्स्ट।